तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो। मेरा नाम है इरशाद, आप देख रहे हैं डॉक्टर लाइन। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेंड एल्बो, इसका साइज ये रेड्यूसिंग में साइज रहेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं REDUC रेड्यूसर बेंड, या इसको चेंजेस बेंड भी बोला जाने वाला है। ये इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। और सबसे पहला जो मेरा साइज है यहाँ पे है 120, इधर का साइज मेरा 50 mm, और नीचे का साइज जो है मेरा वो रहेगा 70 mm, और ये 50 mm, और ये आर जो है वो इनर रेडियस रहता है वो, और वो है मेरा 30 mm। तो इसी के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैं एक अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ जो कि अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ, एक कंपास बनाने वाला हूँ 30 mm का, तो वो बना के दिखा देता हूँ सबसे। तो ये मेरे पास आप देख रहे हो 30 mm का कंपास है। आप जब इसको सीट पे बनाओगे तो आप सीट का बना लेना, या अगर आपके पास प्रकार रहेगा तो बना लेना। तो सबसे पहले करना क्या है, ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे, इसके ऊपर रखना है आपको, और इस तरह से यहाँ से रेडियस इसको मार देना है 30 mm का रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फलांचे के लिए इधर मार रखा है 10 10 mm, ये देख सकते हो आप। आप ज़्यादा रख लेना, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है, तो बड़ी बात नहीं है, आप भी बना लेना, मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है, अब मैं आपको साइज मार कर दिखाता हूँ कि साइज किस तरह होने वाला है। तो मेरा जो पहला साइज है वो है 120, तो वो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ 120 साइज। तो ये भी मैं सिर्फ साइज ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको सीट पर बना रहा हूँ, मतलब पेपर पर बुक पर बना रहा हूँ। अब जब इसको सीट पर बनाओगे तो साइज में 15 mm प्लस कर लेना, जो कि किया जाता है नॉर्मली हर एक साइज में। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 20 mm का, मतलब 100 पे टेप लगा के 120 का मार्क यहाँ पे ले लिया है। एक ये हो गया मेरा साइज, दूसरा वाला जो है ये मेरा 70 mm है, तो उसको यहाँ पे लेना है ये लाइन के ऊपर से। तो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 70 mm, इसको दो मार्किंग लेना है आपको। तो यहाँ से 70 लिया प्लस ये चीज करूंगा तो 100 हो जाएगा, तो टोटल 100 का एक मार्किंग इधर भी लेना है आपको। इसमें भी मैं सिर्फ यही ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो मेरा 120 साइज है तो टोटल 150 हो जाएगा। यहाँ पे 150 का मार्किंग लेना है यहाँ पे। तो ये मेरा साइज हो चुका है, और इसको मैं अभी दिखा देता हूँ आपको मार के। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, बताएगा बहुत लोग, लेकिन इस जैसा नहीं बताएगा। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाता है कि ये किस तरह काटा जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये वाला लाइन को इस तरह क्रॉस करना है, तो ये देख सकते हो क्रॉस हो चुका है, लेकिन ये भी रेडियस में बनने वाला है। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 120, और यहाँ पे 70 mm, ठीक है। ये वाला जो मेरा 70 mm है वो यहाँ पे आ गया, और ये जो मेरा 120 mm है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब आपको एकदम सिंपल सा करना क्या है वो कोई नहीं बताता, वही बताने वाला हूँ मैं आपको। आपको बहुत सारे बहुत लोग बहुत तरीके से बताते, लेकिन मैं बिल्कुल अलग बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, ये लाइन बिल्कुल इस तरह क्रॉस कर लेना है, और आपको यहाँ पे मैंने फलांचे के लिए इधर रखा है, फलांचे को छोड़ के उसको माइनस करके आपको ये पॉइंट लेना है जो भी आ जाए आपका, ठीक है। ये पॉइंट है वो आपको रखना है यहाँ पे, एक लाइन इधर मारना है, और एक लाइन ये पॉइंटर के ऊपर से इधर मारना है, ठीक है। और यहाँ से आप मारोगे तो ये यहीं पर आने वाला है। तो ये मेरा एक पॉइंट हो चुका है, आप देख सकते हो इसको, मेन पॉइंट मेरा यही है ये वाला। अब आपको करना क्या है, ये पॉइंटर के ऊपर रखना है आपको, रेडियस कहाँ से घुमाया जाता है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। एकदम देखना, ये एकदम आपको क्वालिटी में दिखेगा ये बेंड। बेंड तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन कोई कहीं से मार दे, ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हो एकदम कितना मस्त दिख रहा है ये पीस, और सही तरीका भी यही है इसका। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट टेप से घुमा देता है, कोई इधर से मार दे। ये चीज़ आपको मेन ध्यान में रखना है कि आपका ये जो कट जहाँ पे क्रॉस होगा अगला साइज पे, और ये आपका जो भी आ जाएगा फलांचे, इधर मैंने माइनस कर रखा है फलांचे छोड़ने के बाद, तो वो छोड़ने के बाद आपका जो भी आएगा, ये वाला जो मेरा आया है उसको यहाँ से आपको एक पॉइंट लेना है लाइन पर, और इस तरह एडजस्ट कर देना है। तो देख सकते हो कितना एकदम मस्त मेरा पीस दिख रहा है, आप लोग भी बना लेना। और ये मेरा साइज एकदम रेडियस में आ चुका है, ये मेरा एक पार्ट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसका दूसरा पार्ट भी इसी तरह काट लेना है, इसको काटने के बाद।
और इसका इसका डबल किस तरह निकाला जाता है वो भी बता देता हूँ मैं। तो उसके लिए आपको हमेशा जो है इंची टेप या मेजर टेप ये हाथ में होना चाहिए आपके, लेफ्ट में, राइट में नहीं। जब आप राइट में रखोगे तो लपेट बराबर नहीं आएगा, लेफ्ट में रख के आपको यहाँ पे, तो मैं यहाँ से पूरा ले लेता हूँ कितना आ रहा है, किस तरह आने वाला है ये। तो ये मेरा आ चुका है टोटल 310 mm आ चुका है यहाँ से यहाँ तक टोटल, जो कि मैं यहाँ पे 100 पे पकड़ा था टेप, तो उन्हें 100 पे टेप लगाया, तो टोटल मेरा आया यहाँ पे टोटल 210 mm आया है ये। अब मुझे लेना है ये वाला, तो ये भी मैं लेके दिखा कर लेना है, इसको भी आपको ये हाथ में टेप रखना है। और यहाँ पे मैं 100 पे टेप पकड़ रहा हूँ ताकि इसमें लपेट बराबर आ जाए। तो ये मेरा आया है सिर्फ 60 mm, तो यहाँ पे लिख देना है 60 mm। तो ये मेरा पहला पार्ट बन चुका है। अब मैं इसका डबल का मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा जो डबल है 50 mm है, मतलब 50 mm। तो आपको करना क्या है, मैं बुक पे बना रहा हूँ तो सिर्फ 50 ही लूंगा। आप जब इसको सीट पे बनाओगे, मैं बार बार ये चीज आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, आप जब सीट पे बनाओगे तो इसमें लॉग फर्मा के हिसाब से प्लस किया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इसके हिसाब से ले लेता हूँ, बुक के हिसाब से, जो कि मेरा 50 mm है। तो यहाँ से एक मार्किंग ले लेता हूँ और एक इधर ले लेता हूँ मैं। तो ये देख सकते हो मैंने दो मार्किंग ले लिया। और एक चीज आपको बताता चलूंगा मैं अभी आपको, ये मेरा सिर्फ साइज हो चुका है 50 mm। आप देख सकते हो ये मैंने 50 लिया है सिर्फ। आप जब इसके लिए लॉक फार्मा पे बनाओगे या किसी चीज पे भी सीट पे, तो आपको जिस हिसाब से जोड़ने का रहेगा कोर या जिस डबल निकालने का, तो उस हिसाब से इधर 25 mm प्लस कर लेना और ये साइड भी 25 कर लेना। तो अभी सबसे पहले मैं ये जो 210 है वो मार्क दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे आ रहा है मेरा। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, इधर आया मेरा 210 और एक इधर आया मेरा 210। तो ये मेरा देख सकते हो यहाँ पे आया है, ये मेरा वो एक डबल हो चुका है। दूसरा वाला भी मैं यहीं पे ले लेता हूँ ताकि मेरा नीचे पोर के लिए आ जाए, ये पता मुझे इधर बैठाना है। ये तो ये देख सकते हो ये मेरा आ चुका है। अब मुझे करना क्या है, ये जो 60 mm आया था वो लेना है। यहाँ पे एक ले लेता हूँ और यहाँ पे मार्किंग लेके यहाँ पे इसको लाइन कट कर देना है। अब देख सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीका से मैंने आपको बना के दिखा दिया है। ये मेरा ये वाला इनर का डबल है 60 mm का, ये डबल हो गया और ये हो गया मेरा ये 210 आउट का डबल, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाया जाता है। आपको करना क्या, ये कट कर लेना है और ये भी कट कर लेना है और इसको जो है आपको ये एक और कटिंग के ऊपर बैठा लेना आप सेम पार्ट, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो ये पार्ट आप यहाँ पे बैठा के कट कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। और तो यही था मेरा आज का टॉपिक, कि आप लोग को मैं कितने अच्छे से तरीके से समझा चुका हूँ इसका। मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कितना अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। ये आपको बहुत कम लोग बताता है, कुछ लोग आपको यहाँ से बताएगा नहीं और ये भी नहीं बताता है, तो मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपको आता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।